हाय दोस्तों, मैं बताऊँ न्यू बीएसएस मॉडल 2023 जो होंडा जो है काफ़ी शानदार फीचर के साथ ये मॉडल निकाली है, जो काफ़ी अच्छी दिखाई देती है और देखने में काफ़ी शानदार दिखाई देती है। और इसका प्राइस जो है होंडा ये इसकी जो एसी सीरीज क्वालिटी सब मिलाकर पूरे फीचर जो ऐड किए गए हैं और इसके जो होंडा हॉर्नेट कंपनी वो है होंडा की मॉडल है और काफ़ी शानदार फीचर के साथ ये होंडा हॉर्नेट जो इसकी ये है 2.0 एसटीडी और पेट्रोल में है। इसकी एसी सी सब आल्टियू सब मिलाकर हर शहर का अलग रहता है और इसके न्यू दिल्ली का प्राइस जो है 158,157 रुपए। और दोस्तों, आप उन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल बटन जब भी मैं वीडियो डालूंगा तो आप लोगों को हमेशा मिलती रही। दोस्तों, इसमें कई सारे फीचर ऐड किए गए हैं और देखने में काफ़ी शानदार और पूरे शानदार फीचर के साथ इसमें कोलकाता में ये पड़ती है 138,000 की और बेंगलोर में 140,000, चेन्नई में 42, मुंबई में 48, पुणे में सेम ही रेट है, हैदराबाद में 139 के आसपास। और इसमें एस शोरूम प्राइस और आल्टियो सब मिलाकर हर अलग अलग हो जाता है, मतलब जो एस शोरूम का प्राइस है वो है और ये है 185 cc की और अधिकतम टॉर्च इसमें 16.1 Nm और 6,000 rpm में जाती है। इंजन के प्रकार 4 स्ट्रोक और से BSS मॉडल और सेल्फ स्टार्ट इसमें पूरे और बोर इसमें 61 mm मिल जाता है। 5 गियर की है और काफ़ी शानदार है और देखने में काफ़ी शानदार। इसमें सामने भी डिस्क ब्रेक मिल जाता है, पीछे भी डिस्क ब्रेक मिल जाता है, देखने में काफ़ी शानदार। और सामने ऊपर बात करें तो होंडा का लोगो और हॉर्नेट की बेजिंग और इसमें काफ़ी ज़्यादा फीचर दिखाई मिल जाते हैं। LED में इंजिलेटर मिल जाते हैं और हेडलैम्प सब LED मिल जाता है, देखने में काफ़ी शानदार। सॉकअप भी काफ़ी अच्छा मिल जाता है, सिंगल चैनल डिस्क ब्रेक मिल जाता है जो काफ़ी अच्छा है और देखने में काफ़ी शानदार दिखाई देती है ये। और ब्लू कलर में है और साइज में बात करें तो 12 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी और होंडा का लोगो और बेजिंग और देखने में काफ़ी शानदार और हॉर्नेट की बेजिंग और वहाँ पे पूरे कंट्रोल स्विच मिल जाते हैं, ऊपर साइड 2 मिरर मिल जाते हैं और सेल्फ स्टार्ट बटन मिल जाती है, ऑन ऑफ करने के लिए मिल जाती है और इंजिलेटर के लिए पासिंग अप डाउन करने के लिए और लाइट अप डाउन करने के लिए, इंजिलेटर के लिए हॉर्न और पूरे कंट्रोल स्विच मिल जाते हैं वहाँ पे और देखने में काफ़ी शानदार दिखाई देती है, काफ़ी शानदार है। और इसकी चौड़ाई की बात करें तो 783 mm और चौड़ाई इसकी 2047 mm मिल जाती है, ऊंचाई इसकी 1064 mm मिल जाती है। ईंधन कैंप क्षमता 12 लीटर, मतलब जो आपको बताया, और ये माइलेज लगभग 35 से 45 किलोमीटर प्रति एयरवे दे सकती है, हाईवे में ज़्यादा देगी और सिटी में कम देगी और चलाने वाले के ऊपर निर्भर करता है। ग्राउंड कंडीशन इसमें 167 mm मिल जाता है, व्हील बेस इसमें 1355 mm मिल जाता है, कर्व वेट इसमें 142 kg है और हेडलाइट LED मिल जाती, पीछे की भी टेल लाइट LED मिल जाती है, इंडिकेटर सब LED मिल जाती हैं जो काफ़ी अच्छे हैं। आगे वाले ब्रेक का जो है 276 mm का मिल जाता है, पीछे वाले ब्रेक की साइज 220 mm का मिल जाता है और अलाउ व्हील डिस्क मिल जाते हैं, आगे पीछे दोनों साइड डिस्क मिल जाते हैं। और फ्रंट टायर की बात करें तो 110/70 अलाउ व्हील जो मिलेंगे 17 इंच के मिलेंगे और टायर की साइज 110/70 और पीछे का भी 140/70 और काफ़ी शानदार है। पहिए का आकार अलाउ व्हील मिल जाता है और ट्यूबलेस टायर मिल जाते हैं और काफ़ी शानदार फीचर के साथ है। और पीछे साइड बात करें तो टेल लाइट भी काफ़ी शानदार मिल जाती है, इसमें 2 लोग आराम से बैठ सकते हैं और भारत में तो मान लीजिए
दो से तीन भी बैठ सकते हैं, मतलब हर है वो उनके ऊपर निर्भर करता है। मगर दो सीटर की है ये, और डिजाइन भी काफ़ी शानदार की गई है। पीछे भी डिस्क ब्रेक और चेंस कवर हाफ मिल जाता है और देखने में काफ़ी शानदार दिखाई देती है। दोस्तों मैं आशा करता हूँ यह जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।